ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा दूसरा वीडियो प्रोनाउन पर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बता दिया और एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ वी हैव एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये बहुत ही कम लोग ने सुना होगा, बल्कि पढ़ाया नहीं जाता कई जगह तो। नंबर सिक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। शुरू करते हैं जरा पर्सनल प्रोनाउन से। व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउन? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आर दोज प्रोनाउंस इन विच वी रिप्लेस द नाउन्स एंड वी कन्वर्ट देम इनटू प्रोनाउन। हिंदी में समझिए, नाउन को बदल के हमने प्रोनाउन में कन्वर्ट किया, उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इस उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। चलिए ये बाकी मैं मिटा दे रहा हूं। और अब सबसे मेजर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। अब समझिए कि इसकी नीड क्या है हम लोग को, समझ गए? फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन होती है जो स्पीकर होता है। इस समय स्पीकर कौन है? अगर मैं ऐसे अभी ऑफलाइन बच्चों से पूछूं तो ऑफलाइन बच्चे कहेंगे यू। गलत। स्पीकर देखिए कौन है। मैं अगर बोलूं तो स्पीकर है आई, समझ गए? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सेंस में कौन होगा? आई। और अगर अनेक लोग स्पीकर होते तो वो हो जाता वी, समझ गए? सेकेंड पर्सन, आप इससे पहले की और भी वीडियोस देख के कंफ्यूज हो, मैं तो बच्चों को एक ही सजेशन दूंगा कि इसको रट लीजिए, क्योंकि सेकेंड पर्सन चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो वो बदलेगा नहीं। सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। तो मैं केवल एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, यू में ये जो वर्ड है यू, ये सिंगुलर सेंस भी ले सकता है और प्लूरल सेंस भी ले सकता है, इसी वजह से मैंने दोनों बॉक्स में लिखा इसको। कैसे? यू आर अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस सिंगुलर में फिट हो जाएगा। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस प्लूरल में फिट हो जाएगा। लेकिन लगा क्या? यू ही लगा, समय उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कई बच्चों से मैं पूछता हूं, अगर सिंगुलर में यू है तो प्लूरल में क्या होगा? तो वो कह देंगे योर, तुम्हारा। गलत, इसको रट लीजिए। थर्ड पर्सन में आते हैं सिंगुलर में, ही मेल के लिए, लड़कों के लिए, शी फीमेल के लिए, और अगर वस्तु की बात करी जाए तो ये रहा इट, समझ गए? और अगर इन तीनों को मिला लो तो उसका प्लूरल हो जाएगा दे, समझ गए? वैसे आप इट को थोड़ा अलग रखें, क्योंकि इट का प्लूरल इट ही रहता है, समझ गए? इट का प्लूरल इट रहता है, जो मतलब समझ लीजिए उतना यूज नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। फिर से सुनिए, फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर है, ये देखिए आई और वी। सेकेंड पर्सन लिसनर, मतलब आप लोग सुन रहे हैं, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, ये आई कौन है? लड़का है तो ही, ये आई कौन है? लड़की है तो शी, ये आई रोबोट है तो इट, और अगर कई लोग हैं तो प्लूरल में दे। इट चेंज नहीं होता, मैंने आपको बता दिया।
यह है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी दो तरीके के होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। नंबर वन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी को पता होगा कि सेंटेंस में क्या होता है। सब्जेक्ट इज दैट लीड्स द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत, एंड ऑब्जेक्ट दैट फॉलोज द सब्जेक्ट एंड वर्ब। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कितना आसान, ही इज अ बॉय, बहुत ही साधारण कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये रहा ही, सब्जेक्ट है ये, बोलो हाँ। तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, नाउन की प्रोनाउन, प्रोनाउन है, तो बन गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं, राम इज प्लेइंग विद हिम, सेंटेंस है राम इज प्लेइंग विद हिम, समझ गए, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट हिम। बताओ नाउन है कि प्रोनाउन, फिर से बोलो, वेरी गुड, प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। सो पर्सनल प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, समझ गए। मेरे और भी वीडियोस में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सिखाता रहूंगा, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।